तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अक्ति गेमर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग अपना BTS का आउटफिट लेने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास BTS क्रिस्टल आ चुका है। तो देखते हैं हमको कौन सा BTS बंडल मिलता है। खुल लाया भी, लोडिंग ले रहा है भाई, बहुत देर लगा रहा है। मैंने जो बंडल सोचा है वो अगर मिल जाए तो मज़ा आ जाए, लेकिन मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर बंदों को यही गोल्ड वाला मिल रहा है या फिर ये हरा वाला मिल रहा है। पता नहीं क्यों, मैंने अभी तक जितने गेम खेले ज़्यादातर बंदे यही पहन के आ रहे हैं। लो हमको भी यही मिला। अरे यार कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो कोई नहीं, ये भी अच्छा होता है, अब पहनेंगे तो पता लगेगा कि अच्छा है ख़राब। चलो देखते हैं कि आया कहाँ पे है, वरना पता चले आया ही नहीं भाई। वॉल्ट में जाना है, और वॉल्ट में जाना है कपड़ों के सेक्शन में फैशन। और अबे बंडल कहाँ गया मेरा? अबे बंडल तो आया ही नहीं। अबे ये क्या हो गया, फ्री फायर वाले से चोक कर दिया मेरा। हो गया कांड भैया, बंडल नहीं आया। तो गाइज मैं इतना बड़ा नूब हूँ कि क्या मैं बताऊँ यार। दरअसल ये अदर्स में पड़ा था, जहाँ पे क्रेट होती है, अदर्स में जहाँ पे क्रेट होती है वहाँ पे पड़ा था। क्रेट खोलनी थी तो बंडल मिलता, मैं वहाँ पे सीधे ढूंढ रहा हूँ यार। मैं भी क्या गधा बंदा हूँ मैं। अच्छा लग रहा है अपना बंडल वैसे। तो ये गेम खेलते हैं फिर बताते क्या है। तो हमारा फर्स्ट राउंड आता है पिस्टल राउंड। पिस्टल राउंड को कभी जोड़ता नहीं भाई। पिस्टल राउंड में कोई हेडशॉट मारने आ जाता है, कोई हैकर आ जाता है, क्या क्या आ जाते भाई। सभी हेडशॉट मारने का ही ट्राई करते हैं, पर अपन बॉडी शॉट मारने में एक्सपर्ट है। आ जाओ कहाँ पे बंदा, बंदे को दिखाओ। अपन हेडशॉट मार नहीं पाते हैं, इसलिए थोड़ा छुप छुप के खेलना पड़ता है, क्योंकि ये यार प्लेटिनम लेवल पे इतने हैकर और हेडशॉट मारने वाले आ जाते हैं, क्या बताऊँ मैं। मैंने सोचा था कि बस ऐसे ही लोग बोला करते फ्री फायर में हैकर होते, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा हैकर होते हैं। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा हेडशॉट खा चुका हूँ, मैंने रिकॉर्ड बना लिया है। एक बंदा दिख गया। और भाई क्या हालचाल, घर में सब बढ़िया? चलो गया ख़त्म। मैंने बोला ना कि तुम लोग हेडशॉट मारने में प्रो हो, तो मैं बॉडी शॉट मारने में प्रो हूँ। जब तक तुम लोग हेडशॉट मारोगे, मैंने बॉडी शॉट मार देना है। इसको रिवाइव कर देते हैं, लीजेंड वाला काम करते हैं, क्योंकि जब सारे लोग जिंदा होंगे तभी हमारा राउंड निकलेगा अच्छे से। और बंदा किधर? अबे इधर। तुम लोग यार दो दो मिलके एक बंदे को नहीं मार पाए हो, कहाँ है, कहाँ है दिखाओ मुझे। ये लोग गया, चलो ख़त्म। और भाई कहाँ है बंदा, बंदे को दिखाओ भाई। इधर बैठे हैं। कट्टे वाली राउंड में मैं नहीं डरता किसी से, चाहे जो आ जाए मैं सीधा घुस के मारता हूँ ऐसी की तैसी करके। और बाकी सभी राउंड में तो मैं डरता ही हूँ भाई। क्या गुंडा बनेगा रे तू। तो आ चुका है अपना दूसरा राउंड, और इस राउंड में हमने ले ली SMG। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं MP5। हाँ तो ये भी बहुत ही ख़तरनाक बंदूक है, मतलब एकदम पास के लिए। SMG जो होती है वो शॉटगन से भी तेज चलती है। बंदा SMG से मार के चला जाता है, मैं यहाँ शॉटगन ही चलाता रहता हूँ। चलो भाई घुसते हैं। और किधर भाई, बंदा नहीं दिख रहे। फिर से प्लानिंग चेंज कर ली उन्होंने। प्लानिंग बनाने में तो भाई सामने वाले बंदे हमेशा माहिर होते हैं। मैं पता नहीं कहाँ घूम रहा हूँ, खुले में घूम रहा हूँ, मुझे कोई मारने वाला नहीं है। देख लो मैं कितना बड़ा प्रो हूँ यहाँ पे। कोई भी बड़े आराम से हेडशॉट मार सकता है, लेकिन अब क्या करें, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो लोग किधर से आ रहे हैं। वो लोग कोने पर से आ रहे हैं, मुझे मालूम है उधर से घूम के, क्योंकि वो लोग जहाँ भी जा रहे हैं एक साथ जा रहे हैं, तो इधर से भी एक साथ आ रहे होंगे। अपने टीम का बंदा हेडशॉट मारना बंद ही नहीं कर रहा है। देखो सामने वाली टीम में क्या बंदे हैं, हम लोग बिल्कुल बाहर खड़े होके, वो देखो रिवाइव भी कर रहा है बिल्कुल बाहर खड़ा होके। भाई क्या यार, कोई मारने के लिए आ ही नहीं रहा है। ये गोलियां तो चल रही है, एक बंदा अपना नॉक भी हो गया, पर गोलियां चल कहाँ रही है। अच्छा बंदा नीचे है, अभी मुझे पता चला। वही तो यार, तब से सिग्नल आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ बंदा किधर है। यहाँ नीचे भी एक रास्ता होता है। एक और नॉक हो गया, क्या यार, ये लो ख़त्म। पता नहीं तब से क्या लगा रखा है। और भाई आपकी तोड़ने फोड़ने का इरादा है, शॉट गन ले ली। आ जाओ वापस लेटते हैं, कहाँ जा रहे हो यार, आओ लेटते हैं, अभी राउंड बाकी है। 0-0 हो गया, चलो भाई जल्दी जल्दी। और दोस्तों मैं आपको एक जादू दिखाऊं, आ जाओ जादू दिखाता हूँ। ये देखो जादू निकली अपनी ग्रोजा, और वो दिख गया बंदा और डाउन। भाई ग्रोजा के सामने खड़े होने की औकात आज तक किसी की भी नहीं हुई, मेरी ग्रोजा के सामने। अपना किल कंफर्म कर लेते हैं, चाहे मर जाएं, क्योंकि दो राउंड तो कायदे से निकाल लिए अपने टीम वाले, जिस हिसाब से हेडशॉट मार रहे हैं। अरे लो मार भी दिया। तो गाइज अभी कमबैक टाइम है, क्योंकि दो राउंड के बाद वो कमबैक करेंगे, मुझे मालूम है। इस टाइम पे तो इसकी पूरी फटी रखी है भाई, लेकिन क्या कर सकते हैं। चलो बॉम्ब फेंक रहा है, अगर इसकी बॉम्ब से बंदा मर गया तुरंत लाइक ठोक देना है मुझे, और आपको भी वीडियो को ठोक देना लाइक। और भाई मर गया बंदा, वाह भाई बॉम्ब से मार दिया। चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, आगे बढ़ते रहो ऐसे। अभी अपने टीम के दो बंदे बचे हुए हैं, सामने वाली टीम के एक बंदा बचा हुआ है। ये लो हेडशॉट। भाई क्या चालू है, इधर ग्रोजा लेके पीकिंग कर रहा है, तभी हेडशॉट मार रहा था, अभी पीकिंग कर रहा है। आ जाओ भाई, बड़े आराम संभाल लोगे।
कोई टेंशन नहीं, बहुत ही आराम से संभाल सकते हो तुम लोग। भागने में देखो कितना एक्सपर्ट है, तुरंत ही निकल गया मौका पाके। तो गाइस बुझा तो हो ही जाएगा, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हो चुका अपना बुया।